स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस। हमारा चैप्टर चल रहा था धर्म, और हमने धर्म की जो क्या अर्थ है और इसकी कई विचारधाराओं के बारे में पढ़ा था कि धर्म और धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म और राजनीतिक, ये सब इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम धर्म की जो अन्य धर्म है, ईसाई और इस्लाम, हिंदू, इन सब धर्मों में धर्म की क्या महत्ता बताई है उसके बारे में हम देखेंगे। ईसाई धर्म एकेश्वरवादी धर्म है। इसकी उत्पत्ति आज से 2016 वर्ष पूर्व ईसा मसीह ने की थी। ईसाई धर्म विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुयायु वाला धर्म है। इसके सिद्धांत मूलतः अहिंसा पर बल देते हैं। देखिए, जो आप लोगों ने भी कई बार पढ़ा होगा, है ना, कि तो ईसाई धर्म है एकेश्वरवादी है, सिर्फ ये ईसा मसीह को मानने वाला धर्म है, एक ही है इस धर्म के अंतर्गत, एक ही भगवान या एक ही जो हम कह सकते हैं ईश्वर को, प्रभु को मानते हैं ये लोग, और विश्व में सबसे ज़्यादा इस धर्म के अनुयायी हैं। किस धर्म के? ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, यानी इसको मानने वाले ज़्यादा हैं। और ये धर्म किस पे बल देता है? अहिंसा पे ये जो धर्म है वह बल देता है। दूसरा है हमारा इस्लाम में धर्म की सहकल्पना, यानी इस्लाम धर्म में धर्म की क्या विचारधारा है, धर्म को किस रूप में लेते हैं वो देखिए। इस्लाम विश्व के नवीनतम धर्मों से एक है, यानी जो नए धर्म आए हैं उनमें से एक धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव 622 में मोहम्मद पैगंबर ने किया था। भौगोलिक दृष्टि से विश्व के केंद्रीय भूभाग पर इस्लाम का आधिपत्य है, यानी क्योंकि ये जो हम कह सकते हैं कि विश्व में जो केंद्र के जो क्षेत्र है ना, यानी जो केंद्र है, जैसे वो जो भूभाग है वहाँ पे इस्लाम धर्म ज़्यादा माना जाता है। यानी विश्व का जो, जैसे ये विश्व है तो विश्व के जो केंद्र के क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों में इस धर्म को ज़्यादा माना गया है। धर्म की राजनीतिक में और राजनीति की धर्म की झलक समस्त इस्लामी संस्कृति वाले देशों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। देखो, हमने हमारी पिछली क्लासों में बात करी थी कि ऐसे कई धर्म हैं जो कि, या ऐसे कई धर्म हैं जो कि राजनीतिक से क्या क्या रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, और ऐसे कई धर्म हैं जो कि राजनीति में भागीदारी निभाना अपना कर्तव्य मानते हैं। तो इस्लाम धर्म है ये ऐसे कहता है, या जो ऐसे देश हैं जहाँ इस्लाम धर्म माना जाता है वो राजनीतिक में अपनी पूरी भागीदारी निभाते हैं। इस्लामी राज्यों में लोकतांत्रिक शासन एवं मूल्यों का लगभग अभाव पाया जाता है। वो जो जहाँ ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ इस्लाम धर्म अपनाया गया है, वहाँ पर जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो बहुत कम देखने को मिलती है। अब है धर्म एवं विश्वास और आस्था। भारतीय संस्कृति से इसका प्रगाढ़ संबंध है। अब देखो, धर्म में विश्वास और आस्था होना भी जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं सिख धर्म की, या ईसाई धर्म की, इस्लाम धर्म में, सभी धर्मों में विश्वास और आस्था की बात बताई गई है। भारतीय संस्कृति में जो विश्वास और आस्था है इसका बहुत गहरा संबंध है। भारतीय संस्कृति में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का मूलधार धर्म को ही रहा है। यानी हमारे जितनी भी, हम अगर संस्कृति की बात करें, हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना और जो भी रीति रिवाज है, उसमें धर्म को हमने मूल रूप से माना है। भारत की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की नींव धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सद्भाव व नैतिकता पर आधारित है। हिंसा के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। यानी देखो, हमारे, हमने पहले भी हमारी पिछली क्लास में बात करी थी कि हमारे भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, कि वह किस को, राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देता है। और इसी कारण हमारे यहाँ धार्मिक सहिष्णुता, यानी सब लोग धर्म की दृष्टि से सब हमारे यहाँ समान है, सभी धर्मों को समान आदर और महत्व दिया गया है, और हिंसा हम लोगों ने नहीं मानते हैं। और किसी भी धर्म हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, कहीं भी हिंसा की बात नहीं कही गई है। अब धर्म, ये बात हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार मैंने कुछ शाब्दिक अर्थ लिए हैं कि जैसे धर्म का क्या अर्थ होगा, संस्कृति का क्या मतलब है, ये कुछ है। जैसे आपको, जैसे बार बार कोई शब्द रिपीट हो रहा है तो आपके मन में ऐसे आता है कि भाई भारतीय संस्कृति, तो संस्कृति क्या होती है ना, इस्लामी संस्कृति, तो संस्कृति क्या होती है, तो इन संस्कृति का आपको पता चल जाए, इसलिए मैंने ये थोड़े शब्द लिए हैं। धर्म, संस्कृत भाषा के धर्म शब्द धारण से बना है, जिसमें धृ धातु है, जिसका आशय है धारण करना,
करना धर्म विश्वासों और प्रथाओं की ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से लोगों का समूह एक व्याख्या करता है जिसके लिए क्या पवित्र है और क्या अपवित्र, क्या पवित्र है और क्या अपवित्र, सॉरी इसके लिए क्या पवित्र है व अलौकिक है। यानी देखो धर्म, ये बात हम भी पहले भी कर चुके हैं कि धर्म शब्द धारण धारण शब्द का अर्थ होता है धारण करना, जो कि संस्कृत के दी धातु से बना, इसका मतलब कोई भी चीज़ को धारण करना। अब धर्म में क्या होता है, विश्वास और प्रथाओं की ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से लोगों का समूह वह व्याख्या करता है कि उसके लिए क्या पवित्र और क्या अलौकिक है। यानी एक समूह, जैसे अभी अपन कह ले इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म या सिख धर्म या हिंदू धर्म, इन मानने वाले धर्म लोगों का एक समूह है जो वे प्रथा बना ली कि हमें शिव जी की पूजा करनी है, हमें मोहम्मद साहब को मानना है या हमें यीशु मसीह को मानना है, इस प्रकार हम भाई हम दीपावली बनाएंगे या वो भाई हम शुक्रवार में नवाज अदा करेंगे, तो इस प्रकार एक अपनी परंपराएं उन्होंने बना ली है, उन्होंने अपना एक धर्म का एक मूल्य निर्धारित कर लिया है कि ये चीज़ पवित्र है और ये चीज़ अपवित्र है। अब है संस्कृति। संस्कृति से आशय मानव के रहने के ढंग है, से देख लीजिएगा, संस्कृति से आशय क्या है, मानव के रहने का ढंग है, व्यवहार, जीविका कमाने के तरीके, नया ज्ञान ढूंढने तथा कला व साहित्य में अपने विचारों को व्यक्त करने से है। अब हम जैसे अब कहते हैं भारतीय संस्कृति, यानी हमारे रहने का जीवन का ढंग, हम किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, हमारा सबका सम्मान है, हमारा सबका जैसे वेशभूषा सम्मान है, बोली चाली, किसी का आदर सम्मान, बोलने के तरीके, तो ये क्या हो गया, जीविका कमाने के तरीके, ये सब समान रूप से जिन लोगों में पाए जाते हैं वे एक संस्कृति का निर्वाह करते हैं। अब है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म के मानने वाले के साथ भेदभाव ना हो और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। देखो तो धर्मनिरपेक्षता, हम कितनी बार इस धर्मनिरपेक्षता की बात कर चुके हैं, जब हमने मूल अधिकार पढ़े थे, मूल कर्तव्य पढ़े थे, जब हमने हमारे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, ये बार बार शब्द आया है धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी धर्म वाले के साथ, मतलब कोई भी धर्म वाला हो, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सभी धर्म वालों के साथ समान व्यवहार किया जाए और सभी को समान दृष्टि से देखा जाए। अब देखो सांप्रदायिकता। अब ये सांप्रदायिकता क्या होती है, समाज में वह वर्ग स्थित है जिसमें विभिन्न धार्मिक समूह व अन्य समूहों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न करते हो। देखो हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जिनकी विभिन्न विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, विभिन्न धर्म मानने वाले हैं। अब वह समाज ऐसे समूहों से मिलकर बना है, है ना, जैसे अभी हिंदू धर्म में भी कई धर्म मानने वाले हैं, जैसे कोई विष्णु धर्म मान रहा है, कोई जाट धर्म मान रहा है, धर्म जाट संघ से है, जाट समाज से है, कोई ब्राह्मण समाज से है, कोई अलग समाज से, है ना, तो सबके अपना समूह हो गया। अब उनमें किसी में ऐसे समूह होते हैं जिनकी धार्मिकता भी अलग होती है, जैसे हिंदू धर्म मानने वाला समूह, इस्लाम धर्म मानने वाला समूह, सिख धर्म मानने वाला समूह, ये अलग अलग हो गए। तो ऐसे में क्या होगा कि अब वो लोग जो अलग अलग समूह हैं धार्मिक संस्कृति वाले, वो अपने आप को श्रेष्ठ बताए कि ये नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ, वो बोले कि नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ, तो फिर वहाँ पे किसकी भावना जाती है, सांप्रदायिकता की भावना आती है, उसको हम बोलते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद, ये भी आपके देखो आपने कई बार हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में अपने 11th 12th में सब में पढ़ा। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से धर्म परक सूत्र है। हमारे जो हिंदू धर्म है इसमें ऋग्वेद को बहुत महत्व दिया गया है और ये हमारे जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, और इसमें धर्म क्या है, उसके मूल्य क्या है, उसके आदर्श क्या है, उनके बारे में सब बताया है। अब है वैदिक धर्म, इसे सनातन धर्म भी कहते हैं, ये विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है जहाँ वेदों पर आधारित है। वैदिक धर्म में भिन्न भिन्न उपासना पद्धति, मत, संप्रदाय और दर्शनों का समावेश है। देखिए जो विश्व के सभी धर्मों में से सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, सनातन धर्म है। ठीक है, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि ये वेदों पर आधारित है। देखो आपने सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो जो वैदिक सभ्यता है यानी जिस समय वेदों का निर्माण हुआ था, तो ये वेदों पे आधारित हो गई। ठीक है, वैदिक सभ्यता यानी वह सभ्यता जिसमें वेदों का निर्माण हुआ, वह क्या कहलाई, वैदिक सभ्यता कहलाई।
ठीक है। अब वैदिक धर्म में भिन्न भिन्न उपासनाएं पद्धति मत संप्रदाय और दर्शनों का समावेश है। जब हम वेदों में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है उसमें कई हमने जब आपने आपके अगर आएगा वो मतलब मैं बताऊंगी एकेश्वरवादी और बहु बहु मतलब बहु बहु जिनमें आराध्य होते हैं वो है ना एक तत्ववादी, इस प्रकार के कई इसमें संप्रदाय हुए, कई दर्शन हुए हमारे वैदिक सभ्यता में भी है ना। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी कई कई देवताओं को मानते हैं, कई ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक देवताओं को मानते हैं, तो एक तत्ववादी, एकश्ववादी, बहुदेववादी, इस प्रकार से कई इस प्रकार की जो धार्मिक विचारधाराएं इन सबका इसमें समावेश है वैदिक धर्म में। ठीक है, अब देखिए इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म इसका उद्भव 622 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर थे। ठीक है, इस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कुरान है। आपने कई बार पढ़ा होगा, जब हमने इस्लाम धर्म अभी पढ़ा था यहाँ पे तब हमने ये नहीं पढ़ा कि इसको किसने बनाया है, क्या बनाया है, ये हमने नहीं पढ़ा था, तो इसलिए इसमें पीछे आ गया है। तो इस्लाम धर्म कब ये तो हो गया था, आपको पता चल गया था कि 622 पूर्व ईस्वी पूर्व इसका क्या हुआ था, उद्भव हुआ था, और इसके प्रवर्तक कौन थे, मोहम्मद पैगंबर थे। ठीक है, और इस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, कुरान है, आप सब लोगों को पता ही होगा। फिर है ईसाई धर्म, इस धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह, और इस धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, बाइबल इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, अब है हिंदू, यह शब्द लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रयोग होने वाला प्राचीन फारसी शब्द है जिसका उपयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए किया जाता था। अरबी व्यक्तियों ने फारसी शब्द का प्रचलन बनाए रखा था। इस क्षेत्र को अल हिंद तथा नागरिकों को हिंदू कहा। अब ऐसे कहते भाई हिंदू किसे कहेंगे हम, पर हिंदू हिंदू संस्कृति वाले, तो हिंदू संस्कृति क्या है कि मतलब ये क्या था कि ये कौन से भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, फारसी भाषा का ये शब्द है। और सिंधु नदी के तट पे आपको पता है क्या कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। तो जो हमारा जैसे ये एशिया है ना, जैसे ये हमारा भारत पूरा हम देखते विश्व है, तो जो ये एशिया है यहाँ पे स्थिति है एशिया की है ना, यहाँ पे ऐसे भारत बना हुआ है। तो सिंधु नदी कहाँ थी, इस जगह सिंधु नदी का विकास हो रहा था। ठीक है ना, तो इधर के जो क्षेत्र था ये क्षेत्र क्या हो गया, पूर्व वाला क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, पश्चिम वाला क्षेत्र। इधर जितने भी थे मध्य एशिया में क्या है, सारा इस्लामी राष्ट्र है। तो यहाँ पे जो अरबी फारसी भाषा में और अरबी व्यक्तियों ने ऐसे कहा कि सिंधु नदी के पूर्व में जो भी लोग हैं वो सब क्या है, सब हिंदू हैं। क्योंकि आप लोग देखिए, खुद देखिए कि जैसे ये विश्व देखते हैं हम, ये देखो हमने पूरी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया, और हम आपको मैंने कई बार ऐसे नक्शा बना के बताया होगा ये हमारा भारत है ना। और देखिए यहाँ पे जो जितने भी इस्लामी राष्ट्र आ जाते हैं हमारे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और ये सब कुछ है ना, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, ये सब क्षेत्र यहाँ पे आ जाता है हम बात करें तो, है ना, मध्य एशिया के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो इधर की तरफ क्या होगा, पूरा भी होगा है ना। तो ये जो इधर के जो अरबी और फारसी लोग थे उन्होंने कहा कि सिंधु नदी के पूर्व की तरफ, ये सिंधु नदी इस प्रकार बह रही है ना, तो सिंधु नदी कहाँ से, भाई हिमाचल से निकल रही है, और ये है ना पंजाब, और ये वाला क्षेत्र हमारे गंगा जो हमारे राजस्थान का गंगानगर वाला, वहाँ पे कालीबंगा है, वहाँ पे भी क्या इसके सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अवशेष मिले ना। तो ये वाला जो क्षेत्र है, तो इसके पूर्व में क्या आ गया, हमारा भारत वाला क्षेत्र ही आ रहा है सारा। तो इन लोगों को इन्होंने क्या कहा, हिंदू कहा है। ठीक है, अब देखिए अरबी फारसी ने अरबी शब्द का प्रचलन बनाए रखना था इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के नागरिकों को हिंद कहा था। तो इन लोगों को कैसे जाने लगा, हमारे भारतीयों को किस प्रकार, किस भाषा से जाने लगा, हिंदू के नाम से इन लोगों को जाने लगा। और ये जो क्षेत्र था भारत वाला क्षेत्र, इसको क्या कहने लगे, ये लोग अल हिंद कहने लगे, और यहाँ के नागरिकों को क्या कहने लगे, हिंदू कहने लगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगली चर्चा जो धर्म की होगी हमारी अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।